छड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। यूं तो मैं काबिल बहुत हूँ, खुद का ही साहिल बहुत हूँ। जो गरज न होता पापी पेट का, तो यूं सड़क पे न होता। चाय की इस केतली में अपने हुनर को न परोसता। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष असीम प्रतिभाओं का धनी है, पर आज भी सही मार्गदर्शन और मौका ना मिलने की वजह से ना जाने कितने ही प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट पालने वाली रानू मंडल को अब कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। ऐसी ही एक प्रतिभा छुपी है बनारस के लंका स्थित एक चाय बेचने वाले व्यक्ति राजकिशोर जी में। यूं तो राजकिशोर अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, पर आज भी जीवन निर्वाहन के लिए उन्हें अपनी चाय की तफरी लगानी पड़ती है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे गायक से जो चाय बेचकर अपना गुजारा करते हैं। एक तरफ अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीतते हैं, वहीं चाय की चुस्की से लोगों की थकान भी मिटाते हैं। क्या है सर, किस प्रकार से अपनी आवाज को आप लोगों के सामने रखते हैं और मतलब? सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। हो ढोल जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने अगर मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे मुझे छोड़ कर, जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलिया दे विच रोल ना दे, भूए किस होर तुसी और ना दे। सुनिया सुनिया गलिया दे विच रोल ना दे, भूए किस होर तुसी और ना गई। ओ सायर जरनी जे रुलाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। ये थे हमारे साथ वाराणसी से राजकिशोर जी, जो एक कॉफ़ी बेचने वाले चाय बेचने वाले हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि राजकिशोर जी अपने आवाज़ के साथ साथ लोगों को कॉफ़ी या चाय का मज़ा भी देते हैं। न्यूज़ बकेट के लिए महेंद्र पटेल वाराणसी।